बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक खत्म हो गई है। हमारे साथ नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा है, उनसे जानेंगे। सर, सत्र की अवधि जो है कितने दिन की रखी गई है, किस तरीके से? देखिए, अभी तो जो बीएसई में जो सरकार की तरफ से आया था वो 25 तारीख और 28 और 29 इन दिन का, जबकि मैंने कहा था भी नाकाफ़ी है, इसको बढ़ाया जाए, तो मैंने कहा है, लेकिन मेजोरिटी उनकी है और विधानसभा में उठाएंगे इसको, बढ़ाना चाहिए क्योंकि बहुत सारे ज्वलंत मुद्दे हैं जिनके लिए समय काफ़ी है। सर, सीईटी का मुद्दा हो, नूह का मुद्दा हो, तमाम मुद्दे आपने तैयार कर रखे हैं, सत्ता पक्ष भी अपनी तैयारी में है, क्या आप कल जो है तैयारी करके जाएंगे, विधायकों के साथ भी मीटिंग है कुछ? हाँ, विधायकों के साथ सब विधायक तैयार हैं, पूरी हर इश्यू पे हर मुद्दे को उठाएंगे। नूह के मुद्दे को भी सर उठाया जाएगा? सारे मुद्दे हैं भाई, कानून व्यवस्था का, नूह का मुद्दा, कानून व्यवस्था भी है, सरकार फेल हो चुकी है तो क्यों नहीं उठाया जाएगा। तो आपने सुना कि किस तरीके से बीएसई की जो बैठक है उसके बाद भूपेंद्र सिंह हुड्डा का ये कहना था कि उनकी तरफ से मुद्दा जो है वो उठाया जाएगा, और साथ ही साथ जो विधायक दल की बैठक है उसमें भी तमाम मुद्दों को लेकर के चर्चा की जाएगी। चंडीगढ़ से कैमरामैन सूर्या के साथ जितेंद्र चौधरी, खबरें अभी तक।